तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ। आज मैंने नाश्ते में बनाया था पास्ता, तो मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और सब वेजेस लिए। तो मैंने लिया है शिमला है, कॉर्न है, प्याज है, और मैंने यहाँ पर टमाटर की थोड़ी प्यूरी कर लिया है। थोड़ी सब्जी होने के बाद मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया रहा अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ा, और इसे ज़रा सा होने देते हैं प्यूरी को। और जैसे मेरी प्यूरी हो जाती है, मैं उसे पास्ता उबाल करके रखी हुई थी मैंने, वो डाला है और काली मिर्च का पाउडर डाला है, ब्लैक ब्लैक पेपर का, और थोड़ा सा ये पास्ता मसाला एक पाउच, और थोड़ा मेरे पास सीजनल पड़ा हुआ था पिज़्ज़ा का, तो मैंने वो भी यूज़ कर लिया। चिली फ्लेक्स है, ऑरिगैनो है, जैसे ही मेरी सब्जियाँ हो जाती हैं। मैंने पास्ता उबाल के रखा हुआ था, बॉइल करके मैंने इसे डाल दिया। ये मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया, थोड़ा सा मैंने ऑरिगैनो डाला है, नमक मैंने उसी समय ही डाल दिया था, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और भी यूज़ कर लीजिए। ये देखिए मेरा झटपट पास्ता तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी बन जाता है। अब इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं, मेरा पास्ता क्योंकि रेडी हो चुका है, इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये मेरा पास्ता, ये देखिए कितना अच्छा बना है। चलिए इसे देखते हैं खा के। देखिए अगर अच्छा लगे मेरी ये रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।